हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ब्यूटी विद तबस्सुम के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ दांतों में होने वाले दर्द का फॉर्मूला। दांतों में दर्द होता है, दांतों में अगर कीड़ा लग गया है और हम नहीं डॉक्टर के यहाँ जा पा रहे हैं, हमारे पास उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, और या किसी ऐसा टाइम होता है कि दर्द बहुत तेज़ होता है और टाइम नहीं होता है, विद इन इवन इन नाइट में हो सकता है, तो उस टाइम आप क्या करेंगे अपने दांतों के दर्द को दूर करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं जो हूँ आपके लिए एक छोटा सा नुस्खा लेके आई हूँ। मेरी इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर ज़रूर देखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो मैं छोटे से थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में आपको बताती हूँ कि आप अपने दांतों के दर्द को फटाफट कैसे दूर कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए। सबसे पहले हम ले लेंगे 4-5 लौंगें जो मैंने ले ली हैं। फ्रेंड्स, लौंग आपको हर घर में मिल जाएगी, घर में मिल जाएगी, इवन जो बॉयज़ एंड गर्ल्स बाहर रहते हैं उनके अभी लौंग ज़रूर होती है। ये खाने का प्रोडक्ट है तो लौंग तो आपको मिल जाएगी। लौंग आपको कौन सी लेना है? फूलदार, जिसमें ये फूल हो। तो आप देखेंगे कि मेरी सारी लौंगों में फूल है। और हमें इसे करना क्या है, हमें इसे एक इमाम दस्ता लेना है और इसमें कूट लेना है। लौंग एंटीबायोटिक होती है, लौंग में एंटी फंगल्स होते हैं। लौंग जो होती है फ्रेंड्स, बहुत दांतों के लिए बहुत गुणकारी होती है। लोग दांतों में लौंग का तेल लगाने की भी सलाह लेते हैं, लेकिन अगर लौंग का तेल नहीं है तब हम क्या करेंगे, तब हम ये फॉर्मूला आजमाएंगे। ये आप देख रहे हैं, मैंने इसका चूरा बना लिया है। ये आप देखिए, इसका चूरा हो गया है। आप इसको थोड़ा और बारीक चूरा भी कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। और इस चूरे को उठा के आपको आपके जिस जगह दांत में दर्द है उस जगह आपको इसे रख लेना है, बारीक पीस के। इस चूरे को आपको दांत में जिस जगह आपके दर्द है, जिस जगह आपके कैविटी है, कुछ भी तकलीफ हो रही है, कीड़ा काट रहा है, तो आप इस चूरे को रख लेंगे। और रखने के बाद आपके मुँह में लार आना शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपके मुँह में लार आना शुरू हो जाएगी, आप उस लार को 5 मिनट्स तक नहीं थूकेंगे, मुंह में ही रखे रहेंगे, और 5 मिनट्स के बाद आप थूक देंगे। तो जब आप एक दो बार ऐसा करेंगे तो विद इन 10 to 15 मिनट्स आपके दांत के दर्द में आपको तुरंत आराम मिलने लगेगा। अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड स्टेप, अगर आपके दांत में कीड़ा लग गया है तो उसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक छोटी सी कटोरी, और कटोरी में हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल, तेल जो होता है सरसों का तेल। ये हमारे दांतों के दर्द की दर्द को दूर करने में, दांतों में मालिश करने में और बॉडी की मालिश करने में बहुत गुणकारी होता है। ये हमारे जिस्म की हड्डियों को मजबूत करता है और हमारी मांसपेशियों का रक्त संचार बढ़ाता है। तो ये मस्टर्ड ऑयल हमारे बॉडी और दांत और हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं यहाँ लेती हूँ थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, ये मैंने यहाँ ले लिया है। और हमें इसमें क्या करना है, सेकेंड इंटीग्रेंट्स है फिटकरी। फिटकरी आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी जनरल स्टोर पे, तो आप ये ले लेंगे और इसको एकदम बारीक पीस लेंगे, जो मैंने यहाँ पे ये पीस लिया है। और क्या करना है, इस मस्टर्ड ऑयल में थोड़ी सी आपको फिटकरी मिला देना है। तो ये हमारी फिटकरी मिल गई है, और जो हमने ये लौंग का चूरा पीसा था तो थोड़ा सा हमें इसमें लौंग का चूर भी मिला देना है। ये हमने मिला दिया है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, कॉटन लेना है, इसको मिक्स कर देंगे हम। ये हमने मिक्स कर दिया है अच्छे से, ये इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाना चाहिए। और ये कॉटन लेके, कॉटन की हेल्प से हमें दांत में हमारे जिस जगह कीड़ा है, ये कॉटन हमें वहाँ पे दबा के रख देनी है, और हमको जो है बेड टाइम पे दबा के इसे रख देना है और फिर सो जाना है। हमें दांतों में पानी से रात में कुल्ली नहीं करना है। रात भर ये दवा लगी रहने से 2 से 3 दिन में हमारे दांतों का कीड़ा बाहर निकलने लगेगा, और ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। इसे आप यूज़ करिए, ये आपके दांत के दर्द में, आपके दांत के कीड़े को दूर करने में बहुत मददकारी है, बहुत गुणकारी है। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।